गुड मॉर्निंग क्लास, मैं हिमांशु प्रकाश और हम अपना जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हम केमिकल्स के टाइप की बात कर रहे थे। हमने पहले सीखा कि रिएक्शन किस टाइप की होती हैं, सिंबलिक और दूसरी हमारी कहते हैं एक सिंबलिक थी, दूसरी हमारी रिएक्शन जो भी थी, ठीक। उसके बाद हमने बात की थी कि केमिकल रिएक्शन के टाइप क्या हैं, वो कितने टाइप की होती हैं। तो उसमें हमने पहला देखा था कि पहली हमारी जो टाइप थी वो थी कॉम्बिनेशन, कि दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड कंबाइंड होकर एक तीसरे कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे थे, वो थी कॉम्बिनेशन। फिर हमने बात की डिकम्पोजिशन की, कि वहाँ पर एक कंपाउंड दो डिफरेंट कंपाउंड में या दो कंपाउंड एलिमेंट में या दो एलिमेंट में ब्रेक हो रहा था, उसको हमने बोला डिकम्पोजिशन। तीसरी हमने रिएक्शन की बात की थी हमारा डिस्प्लेसमेंट, जिसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था, ठीक, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट एक ही बार हो रहा था। साथ पे हमने डिस्प्लेसमेंट में बात की थी कि किस तरीके से जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करते हैं, केवल हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर पाएंगे। उसकी हमने एक रिएक्टिव सीरीज की भी बात की, जिसमें हमारा सबसे ऊपर जो एलिमेंट था वो हाईली रिएक्टिव था और सबसे नीचे जो लास्ट में एलिमेंट आया वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट था। वहाँ पर कन्फ्यूजन था कि प्लेटिनम है या गोल्ड है, तो बुक में आपकी टेबल दी हुई है, उस टेबल में एनसीईआरटी में अगर गोल्ड की बात की गई है तो वहाँ गोल्ड है, अगर आपकी एस चांद में प्लेटिनम की बात की गई तो प्लेटिनम हमारा उस लिस्ट में जो लास्ट में है वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है। अब प्लेटिनम को ऐड कर दिया गया है, जो कि अभी एनसीईआरटी में ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमने अपने एस चांद के रूप में ये टेबल दी हुई है, तो उस टेबल को भी, उस दोनों ही टेबल ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ हमारा, ये हमने रिएक्टिव सीरीज देखी और डिस्प्लेसमेंट को समझा। फिर हमने क्या देखा, कभी कभी ऐसा होता है कि एक की जगह दो दो एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाते हैं, मतलब एक एलिमेंट ने दूसरे को डिस्प्लेस किया और दूसरी वाला उसकी जगह पर आ गया, इसको हमने बोला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके हमने एग्जांपल भी देखे थे कि किस तरह से दो कंपाउंड में दो एलिमेंट एक दूसरे को अपनी जगह से हटाकर या एक दूसरे को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, उसको हमने बोल दिया डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन। कुछ एग्जांपल भी देखे थे हमने, और हमने साथ में ये भी बात की थी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कभी कभी प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन भी हो जाती है, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही जब प्रेसिपिटेट बन गया, वहाँ पर एक ऐसा कंपाउंड बन गया जो डिसॉल्व नहीं हो सकता, उसको हमने प्रेसिपिटेट बोल दिया, रेजिड्यू। वो अगर ऐसा हुआ है रिएक्शन में तो उस रिएक्शन को हमने बोल दिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का ही पार्ट है। दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट का पार्ट हमारा आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम एसिड और बेस को साथ में रिएक्ट कराते हैं, हम क्या करा, हमने कोई एसिड लिया एक कोई बेस लिया, इन दोनों को रिएक्ट कराया, तो रिएक्ट कराने पर वो साल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसका एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों ही नेचर क्या हो गए, कैंसिल हो गए, दोनों ही नेचर न्यूट्रल हो गए। वो नेचर ना एसिडिक रहा ना बेसिक रहा, जो कंपाउंड बना जो साल्ट बना वो साल्ट की फॉर्म में था और वाटर की फॉर्म में था, इसको इस टाइप की रिएक्शन को हमने बोल दिया कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराऊँ, ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl से रिएक्ट करा। अब ये एक बेस है और ये HCl एक एसिड, ठीक है, तो बेस प्लस एसिड क्या बनेगा इससे हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड और साथ में वाटर बन जाएगा, यानी एसिड और बेस को रिएक्ट कराने पर साल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। इसी टाइप की रिएक्शन को हमने बोला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, यानी एसिड और बेस को कंबाइन कराएं और उससे साल्ट और साथ में वाटर की फॉर्मेशन हो जाए, उसको हमने कहा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल ये रहा। इसके अलावा अगर कोई और एग्जांपल देना है चाहें तो हम H2SO4 की बात कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस, अगर मैं इसको NaOH से रिएक्ट कराऊं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, इसमें बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2O। यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या है, सोडियम डाइसल्फाइड, क्या है ये एक साल्ट है, तो एसिड प्लस बेस मिलकर बन गया साल्ट और साथ में वाटर, तो इसी टाइप के हमने रिएक्शन को बोला
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम क्लास में बात कर चुके थे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी बॉडी में भी होती हैं, अगर हमारे स्टोमक में एसिड की फॉर्मेशन हो रही है और वो एसिड की फॉर्मेशन एक्सेस अमाउंट में है तो उसको डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनो खाते हैं। डॉक्टर क्या प्रेस्क्राइब करता है, इनो। इनो क्या है, इनो एक बेस है जो हमारी बॉडी में एसिड की फॉर्मेशन को, एसिड बनना था उसको हमने बेस खाया तो क्या हुआ, वो साल्ट में और वाटर में कन्वर्ट हो गया, हमारी जो एसिडिटी थी वो कम हो गई, हमारी एसिडिटी ठीक होने लगी, हम प्रोटेक्ट होने लगे, बचने लगे एसिडिटी से। ठीक, तो ये जो एसिडिटी वाली एग्जांपल है स्टोमक में बनने वाला, ये भी क्या है, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है कि एसिडिटी को ख़त्म नहीं करना है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना है, इसकी जो पावर है एसिडिक नेचर है उसको कम करना है। डाइजेशन में भी हमने सेम ऐसा ही पढ़ा था, डाइजेशन में क्या पढ़ाते हम कि डाइजेशन में क्या करते हैं हम, जो स्टोमक में हमारा एसिड है HCl है वो फूड पर आया और उसने मीडियम को एसिडिक कर दिया, फिर जब आगे फूड बढ़ा तो हमारा बाइल आया और बाइल ने उस एसिडिक मीडियम को एल्केलाइन कर दिया, उस एसिडिक नेचर को ही तो कम करता है ताकि हमारे स्टोमक के वाल ख़राब ना हो। ठीक, तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हमारे बॉडी में भी बहुत सी मैकेनिज्म ऐसी हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करती हैं, जहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन होती है या इस टाइप की रिएक्शन को ही हम बोल देंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें ऐसे कंपाउंड बनते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट होगा वो साल्ट होगा और बटर होगा और जो रिएक्टेंट होंगे वहाँ पर एसिड होगा और बेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अब नेक्स्ट अगर टाइप की बात करें तो नेक्स्ट हमारी टाइप की रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, क्या है नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मीन्स अगर हम किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड कर दें, अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाए या ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है उस टाइप की रिएक्शन कहलाती हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या हुआ, हमने ऑक्सीडेशन की बात करें तो वहाँ पर क्या करा, हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। ठीक है, या फिर हमने दूसरी बात की थी हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। ठीक है, दो यहाँ पर केस है, एक ऑक्सीजन को ऐड करना और दूसरा हाइड्रोजन को रिमूव करना। अगर किसी एलिमेंट से किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तब भी हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर किसी कंपाउंड से में ऑक्सीजन ऐड हो रही है हम तब भी उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट। ठीक है, ऑक्सीजन को ऐड कर दें या दूसरा नॉन मेटेलिक जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट्स मेटल नहीं हैं, नॉन मेटल्स हैं, अगर हम उनको भी ऐड करते हैं तब भी हमारी रिएक्शन कैसे कहलाएगी, ऑक्सीडेशन। ठीक, तो इसको रिएक्शन को हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक कंपाउंड और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक कंपाउंड, मेटेलिक कंपाउंड को रिमूव करना या नॉन मेटेलिक कंपाउंड को ऐड करना, ऑक्सीजन को ऐड करना या हाइड्रोजन को रिमूव करना, ये चारों ही कॉन्सेप्ट आपस में अपोजिट हैं और ये है हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर ऐसा रिएक्शन में हो रहा है, ठीक है, अगर ऐसा रिएक्शन में हो रहा है तब हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक, इसका जस्ट अपोजिट, अभी इसके एग्जांपल आगे बात करेंगे एग्जांपल्स की। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट, क्योंकि दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये आपस में अपोजिट टर्म है, एक दूसरे के दुश्मन समझ लो। ठीक, तो रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन में इज जस्ट इसका अपोजिट कि जब ऑक्सीजन रिमूव हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो या अब जब ऑक्सीजन रिमूव होगी तो हाइड्रोजन क्या होगा या हाइड्रोजन ऐड हो। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो रही है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है उस टाइप की रिएक्शन को हमने बोला रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, सेम अगर किसी में नॉन मेटेलिक कंपाउंड ऐड हो, जैसे वहाँ पर नॉन मेटेलिक कंपाउंड रिमूव हो रहा था, ठीक, ऐसे यहाँ पर क्या हो, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कंपाउंड रिमूव हो और मेटेलिक कंपाउंड उसका जस्ट अपोजिट, नॉन मेटेलिक कंपाउंड इज रिमूव एंड मेटेलिक कंपाउंड इज ऐड इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक, तो फिर से वही शर्त है, ऑक्सीजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन का ऐड होना, नॉन मेटेलिक कंपाउंड का रिमूव होना या मेटेलिक कंपाउंड का
ऐड होना, इसको बोला रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट। ठीक, अब क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड भी हो जाए और हाइड्रोजन रिमूव भी हो जाए, हाइड्रोजन ऐड भी हो जाए ऑक्सीजन रिमूव भी हो जाए, एक ही रिएक्शन में दोनों ही केस आ जाए, ऑक्सीजन का ऐड भी होना, ऑक्सीजन का रिमूव भी होना, हाइड्रोजन का ऐड भी होना, हाइड्रोजन का रिमूव भी होना, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो इस केस में उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम ऑक्सीडेशन कहें या रिडक्शन कहें, कन्फ्यूज़न। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए एक नया टर्म बना रेडॉक्स, क्या टर्म बना रेडॉक्स, रिडक्शन और साथ में ऑक्सीडेशन। तो ऐसे रिएक्शन जो रिड्यूस भी होती हैं, जो ऑक्सीडाइज भी होती हैं, ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही काम होते हैं, उस टाइप की रिएक्शन को हम बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब चलिए अब इनके ऑक्सीडेशन के, रिडक्शन के और रेडॉक्स रिएक्शन के दोनों के एग्जांपल्स की दो एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, CuO कॉपर ऑक्साइड, इसमें मैं इसकी इसमें हाइड्रोजन गैस पास करो, ठीक है, क्या होगा, Cu+H2O। अब देखो मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन ऐड करने से क्या हुआ, कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया। तो क्या कहा था हमने, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का ऐड होना, ये किस टाइप की रिएक्शन थी, ये थी रिडक्शन टाइप की रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है, उसको हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, यानी ये रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, तो अब ये इसमें ये रिडक्शन का एग्जांपल हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमने पीछे बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ रखे हैं, वो भी इनके एग्जांपल्स आएंगे। ठीक, इसमें एक चीज़ और देखने वाली आती है, ठीक, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक भाई, ऑक्सीडेशन में जो प्रोसेस हो रही है, जो रिएक्शन में जो प्रोसेस हो रही है, हम उसको नाम दे रहे थे कि हाँ ये ऑक्सीडेशन है, कि हाँ ये रिडक्शन है, लेकिन उस ऑक्सीडेशन को कर कौन रहा है, उस रिडक्शन को, उस रिएक्शन में कौन सा ऐसा एजेंट है जो ऑक्सीडेशन कर रहा है, जो फोर्स कर रहा है कि एलिमेंट को, कंपाउंड के, कि तुम ऑक्सीजन ऐड कर दो, जो फोर्स कर रहा है कंपाउंड को कि तुम ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। तो अगर कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड कराने का वर्क कर रहा है, तो हमने उसको बोल दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह अगर कोई कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड कराने के लिए मोटिवेट कर रहा है, हमने उसको बोल दिया रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में वो एजेंट जो ऑक्सीजन को ऐड कराते हैं या हाइड्रोजन को रिमूव कराते हैं, या वो एजेंट जो ऑक्सीडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, या वो एजेंट जो रिडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, उन्हीं को हमने बोल दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, जो रेस्पॉन्सिबल हैं, जो करा रहा है, ठीक है, उसको बोला। जैसे अगर आप घर पर पढ़ाई नहीं कर रहे हो और आपको मम्मी आपकी बैठ कर पढ़ा रही, तो मम्मी हैं आपकी पढ़ाई कराने वाली, और अगर पापा पढ़ाई करा रहे हैं तो पापा हैं पढ़ाई कराने वाले एजेंट। ठीक है, स्कूल में जैसे टीचर क्या है, आपकी हेल्प करने वाला एक एजेंट, एक मीडियम है। ठीक है, इसी तरह हमारी रिएक्शन में एक मीडियम है जो किसी रिएक्शन को ऑक्सीडाइज करा सकता है, जो किसी रिएक्शन को रिड्यूस करा सकता है। ठीक, इसी तरह एक और टर्म आता है कैटलिस्ट, मतलब वो एजेंट जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा या घटा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये भी क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं, तो इनको मैंने नाम दे दिया कैटलिस्ट। इसी तरह वो भी रिएक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं, अगर वो ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर वो रिड्यूस कर रहा है तो वो रिडक्शन एजेंट कहलाए। ठीक, तो ऑक्सीडेशन, ये हमने आज हमने कैसे कहा कि जो पाँचवीं टाइप की हमारी रिएक्शन थी वो थी
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अब एक टर्म आता, हमने पीछे देखा था शुरुआत में कि कभी कभी कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें से हीट इवॉल्व हो जाती है। कभी देखा है, हमने कुछ रिएक्शन कराई और उससे हमको हीट मिल गई, लाइट मिल गई। हमने कोई रिएक्शन कराई, हमें कुछ रिएक्शन ऐड कराना है और हमें उसको गर्म करना पड़ रहा है, हीट देनी पड़ रही है। रिएक्शन में ऐसा भी होता है, अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें हमको हीट देनी पड़े तब ही रिएक्शन हो पाए। या फिर भाई हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है रिएक्टेंट और दूसरा है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एक्स और वाई हो सकते हैं, प्रोडक्ट हमारा कोई जेड हो गया। अगर हमें एक्स वाई को ऐड कराने में हीट देनी पड़ रही है और इतनी अमाउंट में हीट देनी पड़ रही है कि वो रिलीज्ड अमाउंट हीट से, रिलीज्ड एनर्जी से ज़्यादा है, तो उस टाइप की हमने रिएक्शन को नाम देते हैं एंडोथर्मिक। क्या कहेंगे उसको? ऐसी रिएक्शन जिनके होने के लिए हीट की नेसेसिटी हो, हीट जरूरी हो, उसको बोल दिया हमने एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक, इसी तरह अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जहाँ पर एक्स वाई ऐड होने के बाद या टूटने के बाद जो हमें जेड मिला उसके साथ में हाई अमाउंट ऑफ हीट भी मिल गई, ये तो काम हमने किया, एक्स वाई को जोड़ा, लेकिन जोड़ने के लिए हमें हीट देनी नहीं पड़ी बल्कि उसको जुड़ने के बाद और हीट इवॉल्व हो गई रिएक्शन से, ये हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व होती है वो सारी एक्सोथर्मिक, ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट हमें देनी पड़ती है वो सारी एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन। ठीक, अब जो हमने पीछे पढ़ी थी, ठीक है, एक पढ़ी थी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ध्यान है, डीकम्पोजिशन मतलब, अब डीकम्पोजिशन क्या हो रहा था, एक प्रोडक्ट कोई ए बी, ए और बी में टूट रहा था। ठीक, जब कोई बड़ा कंपाउंड छोटे छोटे कंपाउंड में या कोई बड़ा कंपाउंड दो छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक होगा तो वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि हीट रिलीज हो। यानी मोस्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कैसी होती हैं, हीट प्रोड्यूस करने वाली, मतलब एक्सोथर्मिक टाइप की होती हैं। ठीक, तो अगर एक्सोथर्मिक टाइप का एग्जांपल्स पूछा जाए तो वहाँ पर हीट डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन का कोई भी एग्जांपल बहुत बढ़िया है हमारे लिए कि हम उसका एग्जांपल्स दे दें। तो कोई पूछे कौन सी रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो सकती है, तो यहाँ सिंपल सा एक आंसर आ सकता है कि हाँ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है। इसी तरह अगर कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो वहाँ पर इसका अपोजिट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमको मेनली हीट देनी पड़ती। अब ये स्टेटमेंट हर रिएक्शन के लिए नहीं है, ठीक है, ये रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है, ये केवल एक अच्छा सा एग्जांपल है कि डीकम्पोजिशन में हीट रिलीज होती है, एक अच्छा एग्जांपल है कि हाँ, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में उनमें हीट देनी पड़ती है, दो चीज़ों को जोड़ना है तो हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, मान लो लोहे से एक लोहे का कोई वो हमें जोड़ना हो तो क्या करना पड़ेगा, उसे यहाँ टाका लगाना पड़ेगा, मतलब वेल्डिंग करानी पड़ेगी, और वेल्डिंग में क्या करना पड़ेगा, उसे गर्म करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, तो हीट देनी पड़ी मतलब एंडो, और हीट अगर तोड़ेंगे हीट इवॉल्व होगी तो उसको एक्सो। ठीक है, सिंपल सा टर्म है हीट का इवॉल्व होना और हीट का एब्जॉर्ब होना। हीट का एब्जॉर्ब होना हमारा है एंडोथर्मिक और हीट का इवॉल्व होना हमारा है एक्सोथर्मिक। ठीक, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने रिएक्शन का नेक्स्ट टाइप पढ़ा। तो हमारी टोटल, हमारी अब तक कितने टाइप की रिएक्शन हो गई, फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन, सेकेंड वन इज डीकम्पोजिशन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक, फिफ्थ वन इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सिक्स वन इज, थर्टी कौन सी थी, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, प्रेसी
प्रिसिपिटेशन, और क्या पढ़ा हमने हिट में, हमने पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन, ठीक। हमने टोटल इतने टाइप के रिएक्शन पढ़ लिया, इतनी सारी रिएक्शन पढ़ समझ गए। अब जब आपके जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा कि ये रिएक्शन के एग्जांपल बताओ, एग्जांपल बताओ, एग्जांपल मिलेगा और रिएक्शन बताना होगा। मैंने कोई एग्जांपल लिख दिया, मैंने लिखो एन ए प्लस सी एल टू फॉर्म एन ए सी एल, ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो आपको पहचानना होगा कि यहाँ पर दो एलिमेंट कंबाइंड हो रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो इन सब रिएक्शंस को, इनके खूब सारे एग्जाम्पल्स को बुक से पढ़ना, समझना, डिफरेंट बुक से पढ़ना, ठीक है। चलिए आगे की जो बातें हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं और चीज़ें हैं, वो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। चलिए बाय।